मेरा नाम अक्षय कुमार, मारुति सुजुकी वैगनआर का मोस्ट वैल्यूफुल मनी वेरिएंट जो कि BXI वेरिएंट रहने वाला है। इस वीडियो में आज हम इसी कार के बारे में बात करने वाले हैं। और आप अंडर 7 लाख रुपीस कोई कार देख रहे हैं जिसकी डायमेंशन अच्छी रहनी चाहिए, माइलेज अच्छा मिल जाए आपको और मेंटेनेंस भी कम हो फिर कार का, तो फिर आपको मार्केट में इससे बेटर कार कोई भी नहीं मिलेगी। ये मारुति सुजुकी वैगनआर का VXI वेरिएंट जो कि सेकंड बेस वेरिएंट रहने वाला है। इस कार का जो सबसे ज्यादा सेल होता है वेरिएंट वो यही वाला रहने वाला है। तो चलिए फिर देख लेते हैं ऐसा क्या है इस गाड़ी में जो सभी को पसंद आता है। सबसे पहले तो इस कार का प्राइस ही है 6 लाख रुपीस के एक्सशोरूम प्राइस पर आपको वाली कार मिल जाती है। बेस मॉडल मैंने आपको इस कार का दिखाई दिया था, उससे 45,000 रुपीस एक्सपेंसिव है ये वाला वेरिएंट। आप फीचर देखना फिर कितने बढ़िया आपको 45,000 रुपीस के प्राइस में दिए जाएंगे। इसलिए हर कोई सोचता है कि 45,000 रुपीस में जब हमें इतने बढ़िया फीचर कंपनी फिटेड मिल रहे हैं, अगर हम आफ्टर मार्केट भी कराएंगे तो वायरिंग का भी इशू आएगा, तो इसलिए फिर बेस्ट ऑप्शन यही बन जाता है कि BXI वेरिएंट की साइड जाइए। भाई इस वाले वेरिएंट में एक कमी ये है कि आपको इसमें 1 लीटर का इंजन मिल जाएगा। जिन्हीं बंदों को 1.2 लीटर का इंजन चाहिए तो वो ZXI वेरिएंट में मिल जाएगा आपको। ZXI प्लस वेरिएंट में आपको 1.2 लीटर का इंजन मिलता है, और इसके जो LXI और BXI वेरिएंट है इनमें आपको 1 लीटर का इंजन मिलेगा। 25,000 रुपीज एक्सपेंसिव है ZXI वेरिएंट इस वाले वेरिएंट से अगर आप कंपेयर करते हैं तो। फीचर्स में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस आपको उसमें स्टीयरिंग ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाएंगे। और एक्चुअली से देख कर कोई भी पहचान नहीं पाता उस गाड़ी को कि ZXI है या फिर BXI है। बस आपको बी पिलर उसमें ब्लैक कलर का मिल जाएगा, इसमें आपको बॉडी कलर का बी पिलर मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कार की फ्रंट प्रोफाइल से। फ्रंट में आपको यहाँ पर हैलोजन मिल जाएंगे, हेडलैम्प्स और इंडिकेटर मिलेगा, यहाँ पर बल्ब वेरी ग्रिल। इस कार की सुजुकी का यहाँ पर लोगो क्रोम मिल जाता है साइड में। फोक लैंप्स आपको BXI वेरिएंट में नहीं मिलेंगे। फिर ओवरऑल कुछ तरह की लगती है इस कार की फ्रंट प्रोफाइल, वो ये रही साइड प्रोफाइल इस कार की। डायमेंशन भाई इस कार को देखते हैं तो काफी बढ़िया डायमेंशन रहने वाली है। इस प्राइस सेगमेंट में हाइट जैसे आप देख सकते हैं स्विफ्ट से ज्यादा रहेगी। और अब वैगनआर की देखते हैं तो वो इस कार के स्टील व्हील्स, व्हील कवर्स मिल जाते हैं आपको VXI वेरिएंट से। आपको इसके लोअर वेरिएंट में व्हील कवर्स नहीं मिलते हैं। 14 इंच के स्टील व्हील्स रहेंगे, 165x70 और 14 की प्रोफाइल रहने वाली है। इंडिकेटर हो गया फेंडर पे, ए पिलर हो गया बॉडी कलर का, और जो ORBM है वो भी आपको बॉडी कलर का मिल जाता है इस कार में। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है इस कार के ORBMs। बी पिलर हो गया बॉडी कलर का। अगर आप इस कार के ZXI वेरिएंट के साइड जाते हैं तो एक्सटीरियर से कुछ भी डिफरेंस नहीं रहता उसमें। व्हील कवर्स उसमें भी मिलेंगे आपको, इसमें भी मिल जाते हैं, बॉडी कलर का सब कुछ सेम रहेगा। बस जो बी पिलर है वो आपको उसमें ब्लैक कलर का मिल जाता है। डोर हैंडल बॉडी कलर का रहेगा इस कार का। वो बाहर से देखने में कुछ तरह का लगता है, इंटीरियर देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है, सभी बेसिक फीचर्स के साथ रहेगा। एक एक करके हम सभी फीचर्स को देख लेंगे आपको क्या क्या ऑफर करे जाने वाले हैं इस कार के इंटीरियर में। फ्यूलिड हो गया इसके को ड्राइवर साइड, 3D ओवरऑल इस कार की साइड प्रोफाइल। इस कार की जो भी डायमेंशंस है वो आपकी स्क्रीन पर शोरी होंगी। डायमेंशंस वाइज काफ़ी बढ़िया रहने वाली है कार। फिर ये कंबाइंड लुक बैक और साइड प्रोफाइल की, वो ये बैक प्रोफाइल इस कार की। वो साइड आपको हाइड्रोमेट स्टॉप लैंप मिल जाएगा, हैलोजन बल्ब हो गया इसकी टेल लाइट में, इंडिकेटर बैक लाइट भी, सुजुकी का लोगो हो गया, वैगनआर की पैसिंग दी गई है यहाँ पर। नीचे साइड हो गए पार्किंग सेंसर्स, दो पार्किंग सेंसर रहने वाले हैं, रिफ्लेक्टर्स हो गए। और ओवरऑल कुछ तरह की लगती है बैक प्रोफाइल। चलिए मैं आपको इसका का बूट दिखाता हूँ फिर कितना स्पेस आपको इसका के बूट में दिया जाता है। 5 ट्रे मिल जाती है आपको BXI वेरिएंट में, इसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर होगी टूल किट, ये स्पेयर व्हील इस कार का 14 इंच का रहने वाला है। तो ये तो बात रही इस कार के एक्सटीरियर के बारे में। जैसे कि आपने देखा कितने फीचर्स मिल जाते हैं आपको, रिमोट सेंटर लॉकिंग, 14 इंच के स्टील व्हील्स विद व्हील कवर्स और बॉडी कलर के ORBMs। ये तो बात रही इस कार के एक्सटीरियर के बारे में। इंटीरियर में भी मैं लेके चलूंगा इस कार के। इस कार में आपको 1000cc का इंजन मिल जाएगा जो कि प्रोड्यूस करता है 66 BHP की पावर और 90 Nm का टॉर्क। तो चलिए मैं आपको इसका इंटीरियर दिखाता हूँ फिर क्या क्या ऑफर करा जाने वाला आपको इसका इंटीरियर में। डुअल कलर में इंटीरियर का आपको बता ही दिया, ब्लैक एंड व्हील कॉम्बिनेशन में रहता है। जो डोर है इस कार का वो आपको पूरा ब्लैक कलर का मिल जाएगा। डोबनो हो गया सिल्वर कलर का, 4 पावर विंडो कंट्रोल्स हो गए। ड्राइवर साइड आपको ऑटो पुट डाउन पावर विंडो कंट्रोल मिल जाते हैं। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हो गया इसका के ORBMs। यहाँ पर आपको लोकल लुक के लिए मिल जाएगा, बटन स्पेस है, डिफरेंट स्पेस, स्पीकर। फिर बाहर से देखने में उस तरह का लगता है इंटीरियर इस कार का। वीडियो ड्राइवर साइड सीट, ड्राइवर सीट आपको यहाँ पर ग्राइंड करने का मिल जाता है, स्लाइडिंग का हो गया और फ्यूलिड को ओपन करने के लिए, और ट्रैक्शन ऑन ऑफ का हो गया यहाँ पर बटन। वही रहा इसका बैक डोर, दोनों का सिल्वर कलर का, पावर विंडो कंट्रोल हो गए, बटन स्पेस है, डॉक्यूमेंट स्पेस और स्पीकर। तो वैसे कुछ तरह का रहने वाला इंटीरियर इस कार का। सभी फीचर्स को हम देखने वाले हैं, क्या क्या ऑफर करे जाएंगे आपको इसके BXI वेरिएंट में। सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं इस कार के स्टीयरिंग व्हील से ही। तो लेदर स्टीयरिंग व्हील तो आपको उसमें नहीं दिया जाता है, इसका एसेसरीज का पार्ट है। अगर आप इसको शोरूम से लगवाना चाहते हैं तो आप इसको एड ऑन करा सकते हैं। सुजुकी का हो गया यहाँ पर लोगो, SRS एयरबैग की होगी बेजिंग, फ्रंट टू एयरबैग्स रहने वाले हैं इस कार में। यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश मिल जाएगी और ये इस कार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर।
स्पीडोमीटर मिल जाएगा, बीच में कितने साइज की रहेगी MID, इसमें इसका फ्यूल कहाँ कितना चल गया कार, टेम्परेचर, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें दिखते रहेंगे। कुछ यहाँ पर होगी अलर्ट लाइट्स, और ये ड्राइवर साइड एसी वैन सर्कुलर में मिल जाएगा आपको। यहाँ पर ट्रैक्शन ऑन ऑफ के लिए हो गया बटन, यहाँ पर सेंटर कंसोल 2D का दिया जाएगा आपको, उसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ रहने वाला है। साइड में हो गए एसी वेंट्स, हजार्ड लाइट को गया बटन, मैनुअली एसी दी जाएगी, 12 वोल्ट को गया पावर सॉकेट, थोड़ा स्पेस हो गया, 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन में रहने वाली है कार, कुछ तरह का गियर नॉब रहेगा, ये रहा हैंड ब्रेक, थोड़ा स्पेस हो गया फिर यहाँ पर, और ये रहा ड्राइवर साइड सनवाइजर, वैनिटी मिरर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, सेफ्टी कट होल्डर मिल जाएगा, और ये रहा IRBM, मैनुअली डे नाइट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको यहाँ पर, ये रहा कैबिन लैंप जो कि हैलोजन में रहेगा, को ड्राइवर साइड सनवाइजर, वैनिटी मिरर दिया जाता है, ग्रैब हैंडल हो गया, कुछ तरह की इसमें फ्रंट सीट रहने वाली है जिनमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं दिए जाते हैं, फिक्स हेडरेस्ट मिल जाएंगे। तो ये सीट कवर्स लगे हुए हैं, ये इसका एसेसरीज का पार्ट है। तो चलिए मैं आपको इसका ग्लोव बॉक्स दिखाता हूँ, कितने साइज का मिल जाएगा आपको इस कार में ग्लोव बॉक्स, और ये को ड्राइवर साइड डोर इस कार का, डोपन हो गया सिल्वर कलर का, पावर विंडो हो गई, बाटर बोर्ड के लिए स्पेस हो गया, डिफरेंट स्पेस, स्पीकर। तो चलिए मैं आपको सारे रियर सीट पर लेके देता हूँ, वहां पर आपको इतना स्पेस मिल जाएगा। ड्राइवर सीट को अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ, जिससे आपको सही से आइडिया हो जाएगा कितना लेग रूम वहां पर। मेरी हाइट 6 फीट है, तो ऐसे कुंदा लेग रूम मिल जाएगा आपको। लेग रूम और हेड रूम में बिल्कुल भी कमी नहीं रहने वाली है, स्विफ्ट से ज्यादा हाइट रहेगी तो आपको हेड रूम भी बढ़िया मिल जाएगा, और रियर सीट पर बैठे उस तरह का लगेगा डैशबोर्ड। फ्रंट में जैसे मैंने आपको दिखाई दिया फिक्स हेडरेस्ट, और बैक में भी आपको फिक्स हेडरेस्ट मिल जाएंगे। 60:40 में आप रियर सीट को स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ पर वो ग्रैब हैंडल, वो पावर विंडो कंट्रोल हो गए, मैनुअली विंडो, यहाँ पर आपको बाटवोर्ड स्पेस नहीं मिलता, सिर्फ आपको डोर में मिल जाएगा बाटवोर्ड स्पेस। और अंदर थाई सपोर्ट देखते हैं तो काफी बढ़िया सीट का रहने वाला है। तो ओवर कुछ तरह का इंटीरियर का जो फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर मिल जाते हैं उन आपको सभी दिखा दिए हैं। तो वैसे आपने जो कुछ तरह का था इस कार का बोक रहा हूँ, जो भी फीचर्स आपको इस कार के BX7 में मिल जाते हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर वो मैंने आपको दिखाई दिए हैं, सभी बेसिक फीचर्स दिए गए हैं, क्योंकि आपको इसके BX7 में रिमोट सेंटर लॉकिंग, इंफोटेनमेंट सिस्टम, रियर पावर विंडो जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। बस आपको जो कमी लगेगी इसके BX7 में वो आपको इसके फोग लैंप्स में लगेगी, आपको इसके BX7 में भी फोग लैंप्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं।